हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अवर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, जिसकी तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी है। तो चलिए बनाते हैं मटर पनीर। गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे, उसमें प्याज डालेंगे और उसको भून लेंगे। जब तक प्याज भून रहे हैं, तब तक हम अदरक और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टमाटर को काट कर ग्राइंड कर लूँगी। तो अब प्याज भून चुके हैं, अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच देगी मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे। टमाटर पक जाने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें बॉयल किए हुए मटर ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े कर ऐड करेंगे और इसको चलाते जाएंगे। अब हम मटर को फ्राई कर लेंगे। तो मटर फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको चलाते जाएंगे। अब इसको एक बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर ये बॉयल हो चुकी है और इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें कटा हुआ धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।